नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में टीआई प्लास्मिड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और समझेंगे कि इससे संबंधित किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि टीआई प्लास्मिड कहाँ पाया जाता है नेचुरली। तो नेचुरली जो टीआई प्लास्मिड है एग्रोबैक्टेरियम ट्यूबिसिटिसेंस ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है उसी में पाया जाता है। टीआई प्लास्मिड कहाँ पाया जाता है एग्रोबैक्टेरियम ट्यूबिसिटिसेंस बैक्टीरिया में पाया जाता है। जनरली इस तरह के बैक्टीरिया में दो तरह के डीएनए होते हैं, एक अपना जीनोमिक डीएनए होता है और एक क्या होता है टीआई प्लास्मिड होता है। इसका काम क्या है इन्फेक्ट करना, ट्यूमर इंड्यूस करना। अगर ये बैक्टीरिया जो है किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और स्पेशली किस तरह के प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो ट्यूमर काउज करते हैं। और अब देखते हैं कि टीआई प्लास्मिड में होता क्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि टीआई प्लास्मिड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो टीआई प्लास्मिड जो जनरली इसका जो साइज होता है 200 किलो बेस पेयर का साइज होता है और इसमें क्या होते हैं टी डीएनए रीजन होते हैं। क्या होते हैं टी डीएनए रीजन। इस रीजन में क्या होते हैं ऑक्सिन साइटोकाइनिंस एंड ओपिंस तीनों के बायोसिंथेसिस के जीन्स होते हैं। ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिंस जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं जबकि ओपाइंस क्या है अनयूजुअल एमिनो एसिड्स हैं। याद रखना है ये भी काफी पूछे जाते हैं अनयूजुअल एमिनो एसिड्स हैं जो कि प्लांट के मेटाबोलाइट्स को यूज करके बैक्टीरिया सिंथेसिस करते हैं और बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। आप देखते हैं क्या इसमें क्या होता है लेफ्ट और राइट बॉर्डर होता है जिसके साइज क्या होते हैं 25 बेस पेयर के होते हैं। ये भी काफी और कभी कभी इसको टी डीएनए का रीजन भी बोलते हैं। तो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर का जो 25 बेस पेयर का होता है साथ ही साथ उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का काम क्या है इंडिपेंडेंट तरीके से रिप्लिकेट करना। इसमें वायरलेंस के जीन होते हैं बहुत सारे लगभग 8 जीन्स जो वायरलेंस के ऑपरेंट होते हैं पाए जाते हैं और इनका काम क्या है मीडिएट टी डीएनए ट्रांसफर। किसमें मीडिएट करते हैं टी डीएनए ट्रांसफर प्लांट्स में मीडिएट करते हैं। साथ साथ इसमें क्या होता है एक ओपिंस कैटाबोलिज्म का जो जीन होता है मतलब ओपिंस के सिंथेसिस के लिए भी जीन होते हैं और ओपिंस के कैटाबोलिज्म मतलब उसको अपटेक और यूटिलाइज करने के लिए भी जीन्स होते हैं ताकि उस अनयूजुअल इम्यूनो एसिड को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हमने यहाँ इस वीडियो में देखा क्या कि टीआई प्लास्मिड से संबंधित इम्पोर्टेंट बातों को देखा और हमने ये भी देखा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जैसे कहाँ पाया जाता है एग्रोबैक्टेरियम में पाया जाता है इस प्लास्मिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं प्लांट में किसी भी चीज को डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं या एग्रोबैक्टेरियम को कभी कभी हम क्या बोलते हैं नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए नेचुरल इंजीनियर बोलते हैं क्योंकि यह नेचुरली तरीके से किसी भी प्लांट्स में अपने डीएनए को डाल सकता है। साथ साथ इसमें क्या अगला जो सवाल पूछा था ऑर्गेनोसाइटोकाइनिंस का जीन रहते हैं टी डीएनए रीजंस में ओपेंस अनयूजुअल एमिनो एसिड ध्यान रखना इस बात को टी डीएनए का साइज और वायरलेंस का जीन का काम क्या है डीएनए का ट्रांसफर का काम है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू।